सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु, आई एम एन इंग्लिश फैकल्टी। इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें ये बताइए, मैं हु और हुम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोनाउन का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, कहाँ हु आएगा कहाँ हुम आएगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजिंग सा हो गया पॉइंट। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पहले उन चीज़ों को सिखाता हूँ। देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं थ्योरेटिकल या फिर रूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये सारा खेल अगर समझ में आ जाएगा ना कॉन्सेप्ट का कि है क्या इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। अगर हम रूल को पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम में एक तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर निकल गया तो मेंस में तैयारी कैसे होगी, मेंस अगर निकल गया डिस्क्रिप्टिव है उसके आगे, फिर फाइनल मेरिट है, बहुत सारी टेंशन होती है। नहीं निकला तो फिर आपको पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस प्रेशर से बचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पिक कैसे करते हैं। वहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे, उसे जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ एंड वन ऑफ और नन ऑफ। बहुत ध्यान से देखो, सारी चीज़ें खेल समझ में आ जाएगा इन चारों का, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे भी। अगर आपने ध्यान से देखा तो यहीं पे इसी जो मैंने आपको ये बना रखा है इसी में समझ में आ जाएगा सारा खेल। मैं आपको बड़े ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ऑफ का मतलब होता है बच्चों कोई एक, नीदर ऑफ का मतलब होता है कोई भी नहीं, कुछ बच्चे इसे आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ बोल सकते हो, इधर ऑफ और नीदर ऑफ भी बोल सकते हो, जो भी आप प्रोनंसिएट करो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप स्पेलिंग पे ध्यान रखना। रूल जो है उस रूल के अकॉर्डिंग ही इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखो। मैं आपकी हिंदी से इसे टच करवाने की कोशिश करूँगा। वन ऑफ का मतलब होता है कोई एक, नन ऑफ का मतलब कोई भी नहीं। इधर ऑफ और वन ऑफ दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब भी कोई एक है बच्चों, उसका मतलब भी कोई एक है। यहाँ नीदर ऑफ और नन ऑफ इन दोनों का मतलब सेम है, यहाँ कोई भी नहीं है और यहाँ भी कोई भी नहीं है, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, उन दोनों का मतलब भी एक ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोनों में अलग होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता होगा इन दोनों में। अगर अलग अलग वर्ड्स बने हैं, अलग अलग तरीके हैं इसके, तो अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। पहले ध्यान से देखो बच्चों, नीदर ऑफ का मतलब कोई भी नहीं, नन ऑफ का मतलब कोई भी नहीं, मतलब दोनों के मीनिंग में नहीं आ रहा है, तो ये भी और ये भी, इधर ऑफ भी, नीदर ऑफ भी और नन ऑफ भी दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, कोई रूल नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनके मीनिंग में नहीं आ रहा है तो फिर ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ना तो हम नीदर ऑफ के साथ नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम नेवर का यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अगर नीदर ऑफ लिखा होगा, नाइदर ऑफ बोल लो आप इसे, नाइदर ऑफ लिखा होगा, उस सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज़ होगा ना ही नेवर का यूज़ होगा। वही कंडीशन नन ऑफ के साथ भी आएगी, ना नॉट का यूज़ होगा ना नेवर का यूज़ होगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। बड़े ध्यान से देखो, कॉपी पेन उठा लो, आप नोट कर लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके, वही फीलिंग आएगी जो क्लास में पढ़ते हुए फीलिंग आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ आपको बारीकी से कंप्लीट इंग्लिश कराने आया हूँ, कंप्लीट इंग्लिश ही कराऊंगा। इधर ऑफ और वन ऑफ, देखो होता क्या है, मेरे पास दो मार्कर हैं, इन दो मार्कर में से मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, कोई एक, इन दो में से कोई एक, इन दो में से कोई एक की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो ठीक है, मैंने कोई एक चुन लिया। अगर मुझे किसी एक की बात करनी है, मुझे कम से कम दो चाहिए, कम से कम दो चाहिए, किसी दो में से ही तो एक की बात करूंगा। अगर ये अकेला है तो अकेले में से कोई एक तो नहीं बोलूंगा, इसी का नाम लूंगा मैं, एक मार्कर बोलूंगा, या कोई एक तो नहीं बोलूंगा, कोई एक कब बोलूंगा, जब इन दो की बात हो रही होगी, या फिर मेरे पास तीन हो,
तीन में से कोई एक की बात हो रही हो, मतलब जब हम कोई एक की बात करते हैं तो हमें कोई एक का मतलब हम चूज कर रहे हैं, और चूज करने के लिए हमें कम से कम दो की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर हमें दो होंगे हमारे पास तो कोई एक बोल देंगे, तीन होंगे तो कोई एक बोल देंगे, चार होंगे तो कोई एक बोल देंगे, एक में से कभी एक नहीं बोल सकता। इंग्लिश में दो ही तरह के नंबर होते हैं, देयर टू टाइप्स ऑफ द नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, दो, चार, छः, आठ, दस, बीस, पचास, कितने भी हैं, एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो उसे प्लूरल बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कोई एक के लिए हमें कम से कम दो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक में से कोई एक हो नहीं सकता, मतलब दो की जरूरत पड़ेगी, और दो का मतलब होता है प्लूरल, क्योंकि एक अगर लिखा है तो सिंगुलर है, अगर एक से ज्यादा लिखा है, वन प्लस लिखे होंगे तो उसे प्लूरल बोलेंगे, तब इसे हम प्लूरल बोलेंगे और हमें दो की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें ईदर ऑफ का यूज करना हो, वन ऑफ का यूज करना हो, अब देखो नीदर ऑफ और नन ऑफ को भी देख लो, यहीं पे कोई भी नहीं, अगर मैं एक की बात करूं तो इसे बोलूंगा एक नहीं है, अगर कोई भी नहीं मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दो से ज्यादा, तीन में से कोई भी नहीं, मतलब हर हाल में ईदर ऑफ के साथ भी, वन ऑफ के साथ भी, नीदर ऑफ के साथ भी, नन ऑफ के साथ भी, हमें हर हाल में एक से ज्यादा चाहिए होगा, एक में से हम इसे यूज नहीं कर सकते, हमें एक से ज्यादा चाहिए होगा। एक को हम सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं, मतलब इन सब के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इधर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ, नाउन कैसा आएगा बच्चों, प्लूरल। जो नाउन आएगा हमारे पास वो प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा, अगर हमने सिंगुलर लिख दिया तो वहीं पे एरर बन जाएगा। सेंटेंस लिख के अभी सब कुछ बताऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं वर्ब की, मैं इसे वर्ब भी पढ़ा रहा हूं आपको यहीं पे, वर्ब कैसे यूज करेंगे इसके साथ। अब देखो होता क्या है, मैंने दो में से किसी एक की बात की, या दो में से किसी की भी नहीं बात की, नेगेटिव का यूज किया मैंने या फिर पॉजिटिव का यूज किया, दो में से कोई एक जो मेरा फोकस वर्ड है वो क्या है, एक, दो तो नहीं है, दो में से कोई एक। अभी मैंने दो इसलिए लगाए क्योंकि मुझे एक चाहिए, दो में से चूज करना है, चूज करने के लिए कम से कम दो चाहिए, मैंने दो लिख लिए, दो में से कोई एक, बात मैं एक की कर रहा हूं, दो की तो नहीं कर रहा, पांच में से अगर मैं बात करूं, पांच में से कोई एक, तो बात एक की हो रही है, पांच इसलिए लिए गए क्योंकि चूज करने वाली बात आ रही थी, फोकस वर्ड एक है, प्लूरल नाउन इसलिए लगा क्योंकि हम सब में से की बात कर रहे हैं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, पांच में से कोई एक, दो में से कोई एक, सब में से कोई एक, तो एक पे है फोकस वर्ड। यहां भी एक की बात कर रहे हैं, यहां भी एक की बात कर रहे हैं, यहां भी कोई भी नहीं मतलब किसी एक पे फोकस है, यहां भी कोई भी नहीं मतलब किसी एक पे फोकस है, मतलब यहां से पता चल रहा है नाउन तो हमने प्लूरल लगा दिया क्योंकि हमें कम से कम दो चाहिए होंगे, दो या दो से ज्यादा, उसमें से हम कोई एक बोलेंगे या कोई भी नहीं बोलेंगे। अगर हमें वर्ब लगाना होगा तो किसी एक के अकॉर्डिंग लगाना होगा, जो भी कोई एक है, ये कोई एक, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब बच्चों वर्ब यहां कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहां से आपको तो इतनी बातें पता चली, ईदर ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल क्यों आएगा, मैंने आपको समझा दिया, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर क्यों आएगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आप देखो दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, वन ऑफ और नन ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। अगर हम बच्चों दो की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दो की, अगर दो बात कर रहे हैं हम, दो मार्कर में से कोई एक, दो मार्कर में से कोई एक की अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे ईदर का यूज, दोनों में से कोई नहीं तो हम करेंगे नीदर ऑफ का यूज, क्योंकि अगर हम दो की बात करते हैं, दो लोगों में से कोई एक तो ईदर ऑफ आएगा, दो लोगों में से कोई भी नहीं तो नीदर ऑफ आएगा। अगर हम दो से ज्यादा पे पहुंच जाए, सपोज हमने तीन की बात कर दी, चार की बात कर दी, पचास की बात कर दी, सौ की बात कर दी, सब की बात कर दी, क्लास में सारे स्टूडेंट्स की बात कर दी, तो हम यूज करेंगे वन ऑफ का, सब में से कोई एक वन ऑफ, चार में से कोई एक वन ऑफ, पांच में से कोई एक वन ऑफ, सात में से कोई एक वन ऑफ, सात में से कोई भी नहीं नन ऑफ, पांच में से कोई भी नहीं नन ऑफ, तीन में से कोई भी नहीं नन ऑफ। तो मतलब हम दो से ज्यादा के लिए वन ऑफ और नन ऑफ का यूज करेंगे, फॉर मोर देन टू। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा, आगे बढ़ते।
There are three sentences in front of you. The first is either of the four students are doing this work. Next sentence is none of the two friends is not attending the class. Next sentence is he is one of the best writer. बहुत ध्यान से समझो, मैं आपको who और whom का concept clear कराने वाला हूँ. वो clear कराने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको वहाँ एक पॉइंट बताना था, वो पॉइंट आप फंस जाते. बच्चों मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने में बिलीव नहीं रखता, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ. मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक से, जो जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मैं उस ज़रूरत की चीज़ों को पहले बता देता हूँ, फिर उस टॉपिक को आप सबके सामने रख देता हूँ. वही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ. आप इंजॉय लेते रहिए, पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ को समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा उसी चीज़ को. देखो बच्चों अब ध्यान से पढ़ते हैं एक एक चीज़ को. इधर ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, या कितने लोगों की बात हो रही है, चार लोगों की, फोर स्टूडेंट्स की बात हो रही है. अभी मैंने आपको बताया क्या, जब हम फोर की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे दो की तो दो के लिए यूज करेंगे हम क्या, इधर ऑफ या फिर नीदर ऑफ. नेगेटिव की बात होगी तो नीदर ऑफ आएगा, पॉजिटिव की बात होगी तो इधर ऑफ आएगा. हम बात कर रहे हैं चार की, हमने दो की बात तो नहीं की. दो से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं, इधर ऑफ का या फिर वन ऑफ का. वन ऑफ का किसका यूज करते हैं, वन ऑफ का. तो यहाँ इधर ऑफ का यूज नहीं होना चाहिए, किसका यूज होना चाहिए, वन ऑफ का. सेंटेंस बनेगा वन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स. अब देखो हम चार क्यों लेके आए, स्टूडेंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि वन लिखा है, एक की बात कर रहे हैं चार में से, कोई चार में से कोई एक. अब ये बताओ बच्चों चार में से कोई एक की बात कर रहा हूं मैं, चारों की बात तो नहीं कर रहा, किसी एक की बात कर रहा हूं ना. तो एक की बात कर रहे हैं तो एक के लिए सब्जेक्ट अगर एक है तो वर्ब कैसी आएगी, एक के अकॉर्डिंग आएगी. जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर. तो यहाँ आर का यूज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट लिखा है वन, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नन ऑफ द टू फ्रेंड्स, कितनों की बात हो रही है, दो की. और जब ये दो की बात हो रही है, दो के लिए नन आएगा या फिर नीदर आएगा, तो आप सबका आंसर होगा बच्चों नीदर आएगा. अभी एक और एरर है छोटा सा, मैंने अभी आपको बताया था कि नीदर ऑफ और नन ऑफ दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ ना तो नॉट का यूज होगा ना ही नेवर का यूज होगा. Neither of the two friends is not, जब not उसके मीनिंग में पहले से लिखा है तो क्या दोबारा not आएगा, नहीं आएगा. तो not नहीं आएगा, is attending the class. यहाँ पे is लिखा है और is सही है क्योंकि singular verb आएगी उसके साथ, हम किसी एक पर focus कर रहे हैं. Next sentence देखो, he is one of the, क्या लिखा है बच्चों यहाँ इस sentence में, बहुत बच्चे confused हो जाते हैं, इसी समझना चाह रहा था मैं, इसी की ज़रूरत पड़ेगी मैं who और whom में जाकर. He is one of the best writer. He is को छोड़ो, इसे देखो, one of the best writer. He is one. वो एक है. He is one. He को जोड़ो one के साथ, क्योंकि one का relation है he से. वो एक है किस में से, सारे अच्छे writers में से. अब एक में से अच्छा, सबसे अच्छा तो नहीं, एक सबसे अच्छों में से एक की बात तो नहीं हो रही ना. अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा उसमें से एक, तो सबसे अच्छा जो बोल दिया मैंने एक, उसमें से क्या एक है, वो तो खुद ही एक है यार. अगर मैं आप करूं, आपसे बात करूं कि आप सबसे अच्छा हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, आप हो ना, अकेले की बात कर रहा हूं, तो आप में से, मैं आपसे बोलूं यू आर द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, आप में से आप सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा में से आप एक हो, तो सबसे अच्छा में से एक कैसे हो सकता है भाई, सबसे अच्छा में से एक नहीं हो सकता, सबसे अच्छों में से एक हो सकता है, कि जितने सारे अच्छे हैं ना उनमें से आप भी एक हो. तो सारे अच्छे हैं मतलब वन ऑफ, एक की बात कर रहे हैं, और एक की बात के लिए हमें कम से कम दो चाहिए होंगे, और दो चाहिए होंगे तो उसे प्लूरल बना दिया जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए राइटर का यूज नहीं होगा, राइटर्स का यूज होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा समझा रहा हूं, ही इज वन, वो एक है. अब एक कितनों में से है, सबसों में, सब सारों में से होगा ना, अगर एक है ही नहीं वो, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो इस वन ऑफ को हटा दो, सेंटेंस ये लिख दो, ही इज द बेस्ट राइटर. ये सेंटेंस सही है, ही इज द बेस्ट राइटर, वो एक अच्छा राइटर है, सबसे अच्छा राइटर है, सही है सेंटेंस. हमें वन ऑफ लगाना पड़ रहा है तो फिर हमें इसे राइटर्स करना पड़ेगा. उम्मीद है आप सबको ये इधर ऑफ नीदर ऑफ
वन ऑफ और नन ऑफ समझ में आया होगा। क्लास को आगे बढ़ाता हूं, जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब वो पॉइंट आपके सामने रखता हूं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं गारंटेड बोलता हूं अगर आपने इसे वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, एक बार माइंड खोल के वीडियो को देख लिया, बस नोट करो या मत करो, मेरी गारंटी है आप पक्का समझ जाओगे, क्वेश्चन जहां भी आएगा ना कभी गलत नहीं करके आओगे, ये गारंटेड बोल रहा हूं आपसे। बस थोड़ा सा दिमाग को चलाना है, जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ बस चलते रहना है, समझते रहना चीजों को। देखो बच्चों, हु और हुम दोनों में डिफरेंसेस करते हैं, डिफरेंसिएशन देखते हैं दोनों में क्या है। कहने को ये रिलेटिव प्रोनाउन है, छोड़ दो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये पता होना चाहिए हु और हुम है। क्या हु सही लिखा है? अगर लिखा है तो क्या हुम सही लिखा है? लिखा है तो नहीं लिखा तो फिर सही क्या होगा और क्यों गलत लिखा है, ये सारी चीजें समझाता हूं आपको। आप पढ़ने के बाद गारंटेड ऐसा एरर पक्का लिख लो स्टैम्प पेपर पे, पक्का सही करके आओगे। देखो ध्यान से, हु एंड हुम, हु और हुम ये प्रेजेंटर हैं। मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं इन्हें, ये प्रेजेंटर हैं। ये किसके प्रेजेंटर हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। हु से पहले जहां भी ये हु आया होगा उससे एकदम पहले, जस्ट बिफोर, एक नाउन लिखा होगा। इस हुम से पहले जहां भी ये हुम लिखा होगा सेंटेंस में, जस्ट बिफोर एक नाउन लिखा होगा। हु भी अपने से पहले लिखे हुए नाउन को प्रेजेंट करेगा, हुम भी अपने से पहले लिखे हुए नाउन को प्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिए, ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ते हैं। हु और हुम दोनों लिखा है मैंने, हु से एकदम पहले एक नाउन लिखा है बॉय, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, बॉय के बारे में। हुम से एकदम पहले लिखा है बॉय, तो ये बॉय, ये हुम भी यहां भी किसके बारे में बात कर रहा है, बॉय के। यहां स्टूडेंट लिखा होगा तो स्टूडेंट के बारे में बात करेगा, यहां कुछ भी लिखा होगा तो उसी के बारे में बात करेगा। हु और हुम दोनों अपने से एकदम पहले लिखे हुए नाउन की बात करते हैं, उससे पहले लिखे हुए किसी भी नाउन की, किसी भी वर्ड की बात नहीं करते। पहली बात, हु और हुम अपने से पहले, एकदम पहले जो लिखा होगा नाउन उसकी बात करेंगे, जैसे यहां दोनों में बॉय की बात हो रही है। दूसरी बात, कहां हु आएगा कहां हुम आएगा। हु प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, हु प्रेजेंट करता है किसे बच्चों, सब्जेक्ट को, और हुम प्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। हु प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, हुम प्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। हमें किसे देखना है, कौन ऑब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट है। अगर ये नाउन जो भी लिखा होगा, ये नाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। अगर ये नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो हु का यूज होगा, अगर ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो हुम का यूज होगा। कैसे देख लेते हैं, दिस इज द बॉय हु आई सो यस्टरडे, दिस इज द बॉय हुम हैज ईटन फूड। अब बहुत ध्यान से देखो क्या खेल हुआ यहां पर, हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये नाउन लिखा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यही पता नहीं चले ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे लगाएंगे हु और हुम को। कॉन्सेप्ट देखो, जब भी हमें ये पता लगाना हो ये किसका काम कर रहा है और किसका काम नहीं कर रहा, तो जो जहां भी हु और हुम लिखा होगा, इस हु के लिखे होने के लास्ट में कह लो, या जो इसके साथ जुड़ी हुई क्लोज होगी उसमें कह लो, एक एक्शन लिखा होगा। एक्शन मतलब मेन वर्ब लिखा होगा, एक्शन मतलब मेन वर्ब लिखा होगा। वैसे ही कंडीशन हुम के साथ भी होगी, ये दोनों के साथ कंडीशन होगी। जहां भी लिखा होगा उसके आगे हमें एक्शन को ढूंढना है। पहला काम, हु से एकदम पहले कौन लिखा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बॉय लिखा है। हुम से पहले कौन लिखा है, बॉय। अब ये पता लगाना है यहां पे ये बॉय किसका काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु सही लिखा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि हु प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को और हुम प्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। हु सब्जेक्ट को, हु सब्जेक्ट को और हुम ऑब्जेक्ट को। देखते हैं बच्चों, दिस इज द बॉय हु, पता कैसे चले हु ये बॉय किसका काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा। इस बॉय का ये नाउन के आगे लिखा होगा ये वाला ये बॉय के आगे एक एक्शन लिखा होगा। ढूंढो बॉय के आगे एक एक्शन, ये रहा सो, ये सो लिखा है, ये कौन कर रहा है काम,
ये जो काम कर रहा है कौन, आई, आई सो, किसने देखा, मैंने, मैंने मतलब आई ने, तो आई क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट, ये जब आई सब्जेक्ट हुआ तो बॉय कौन हुआ, ऑब्जेक्ट, किसे देखा, ऑब्जेक्ट को, बॉय को, मतलब ये जो एक्शन लिखा था ये एक्शन किया आई ने, बॉय ने तो कुछ नहीं किया, जब बॉय ने कुछ नहीं किया तो बॉय सब्जेक्ट होगा नहीं क्योंकि करने वाला होता है सब्जेक्ट, तो ये जब सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कौन करता है बच्चों, होम, तो यहाँ हु का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, होम का। दिस इज द बॉय होम हैज ईटन फूड, बॉय के आगे एक एक्शन लिखा है ईटन, ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, हैज, इसका सब्जेक्ट कौन है, हैज भी नहीं है, होम भी नहीं है, कौन है, बॉय, यहां बॉय नहीं था, इसका सब्जेक्ट आए था, यहां कौन है, बॉय, कोई और सब्जेक्ट नहीं लिखा, किसने खाना खाया, बॉय ने, बॉय किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को कौन प्रेजेंट करता है, हु, यहां होम का यूज नहीं होगा, हु, सेंटेंस बनेगा दिस इज द बॉय होम, जिसे मैंने कल देखा था, दिस इज द बॉय Who has eaten food? ये वो लड़का है जो खाना खा चुका है, जिसने खाना खा लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ाता हूँ क्लास। There are two sentences, वो बहुत most sentence है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, रोहित इज अ पेंटर whom वी ऑल थॉट वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको हु और होम का सिस्टम पूरा समझाया, दोनों सेंटेंस में यहां होम लिख, हु लिखा है, सॉरी यहां पर होम लिखा है, दोनों में देखते हैं क्या ये सही लिखे हैं, बहुत मोस्ट है बच्चों। रोहित इज अ पेंटर, ये होम किसे प्रेजेंट कर रहा है, पेंटर को, किसे प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पेंटर को, क्योंकि हु और होम अपने से एकदम पहले लिखी हुई नाउन को प्रेजेंट करते हैं, हु के एकदम पहले कौन लिखा है, मैन, तो ये किसे प्रेजेंट कर रहा है, मैन को। अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी पक्का। आगे बढ़ते हैं, रोहित इज अ पेंटर होम वी ऑल थॉट, देखो ध्यान से, ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद का एक्शन ढूंढना है, तो समझ में आ गया आपको, एक्शन ढूंढ लिया आपने, अगर ये एक्शन दो लिखे हों, अगर ये एक्शन दो लिखे हों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो भी आप पे हु लिखा हो या होम लिखा हो, व्हाटएवर, इससे पहले जो भी नाउन लिखा होगा बच्चों, इस नाउन के बाद आपको एक्शन देखना है, हो सकता है आपको एक एक्शन मिल जाए, इसे एक्शन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, तो फिर आप अंदाजा लगा दोगे, मैंने अभी आपको पहली वाली जो एग्जांपल लिखाए थे उसमें समझाया, इसके बाद अगर आपको एक और दूसरा एक्शन मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसके बाद हु और होम से पहले जो नाउन लिखा होगा उसके बाद एक्शन मिल जाए, एक्शन फर्स्ट नाम दे दिया, इसके बाद एक और एक्शन अगर आपको मिल जाए, एक्शन सेकेंड नाम दे दिया, तो क्या करना होगा आपको, सही करने के लिए बहुत ही इजी सा तरीका बता रहा हूं, एक्शन फर्स्ट को वहां से हटा दो, फर्स्ट वाले एक्शन को कंप्लीटली वहां से हटा दो, पूरे क्लोज को हटा दो, उसके बाद सही करके देखो सेंटेंस को सही होता है या नहीं होता, देखो कैसे, रोहित इज अ पेंटर होम वी ऑल थॉट, एक एक्शन मिला, वुड गेट, एक और एक्शन मिला, दो एक्शन है, पहले वाले एक्शन को, इस थॉट वाले एक्शन को, वी ऑल थॉट को यहां से हटा दो, कंप्लीटली हटा दिया मैंने, इरेज कर दिया, जो एक्शन लिखा था उस एक्शन को मैंने हटा दिया, अब देखो बच्चों सही करके देखो सेंटेंस को सही होता है क्या, रोहित इज अ पेंटर होम वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग, ये पेंटर को प्रेजेंट कर रहा है, वुड गेट, ये एक्शन किसने किया, इस पेंटर ने किया ना, कोई और तो सब्जेक्ट नहीं है, रोहित ने किया, मतलब रोहित एक पेंटर है, पेंटर ने किया ये काम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला किसे, पेंटर को, पेंटर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हु और होम, तो आप सबका आंसर होगा हु, क्या आता है बच्चों, हु, सेंटेंस बनेगा, रोहित इज अ पेंटर हु वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग, अब हमने एक चीज हटाई थी यहां से, क्या हटाया था, वी ऑल थॉट, उसे एज इट इज लिख दो, वी ऑल थॉट, अब सेंटेंस सही हो गया, कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पहले ही सही था कि हम जिसे सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जिसे को इंग्लिश में होम बोलते हैं, सेंस देखना तो है, सेंस
सही तरीके से देखना है हो क्या रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं और होम लिख दूं तो फिर कोई सेंस बन ही नहीं रहा। तो सबसे अच्छा तरीका, जब भी दो एक्शन आपको दिखाई दे, ऐसी कंडीशन कई बार आती हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बच्चे पूछते हैं बार बार, उन्हें मैंने यही बताया अब बच्चा गलती नहीं करता। दो दो एक्शन होंगे, पहले वाले एक्शन को वहां से कंप्लीटली हटा दो, दूसरे वाले एक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही कर दो, वो आप सबको पता है। आगे बढ़ता हूं बच्चों सेंटेंस पे। अ मैन हु, अब ये बताओ इस मैन के बारे में मैंने हु को यूज कर दिया ना, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, बच्चों एक और बात याद रखना, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज होता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एन अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है, ही किसके लिए आया, मैन के लिए। ही क्या है, प्रोनाउन। फिर ये हु किसके लिए यूज होता, मैन के लिए ना। ऐसी कंडीशन में जब हम किसी एक नाउन के साथ हु या हुम को यूज कर दिया, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा था इसलिए हमने यहां हु का यूज कर दिया, बाद में किसी भी प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते, बाद में हम किसी भी प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं किया, रोहित इज अ पेंटर हु वी ऑल थॉट, या ही भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखा। अगर लिखा हुआ भी आएगा तो भी गलत होगा, क्योंकि वो हु काम कर रहा है इसके लिए। सेंटेंस है, मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, यही नहीं आएगा, यह कोमा लग जाएगा बच्चों, कोमा, विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हु सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है इसलिए दोबारा किसी प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार बैंक में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में कन्फर्म नहीं है बच्चों पूछा गया या नहीं पूछा गया, लेकिन मोस्ट है स्पीड टेस्ट में कई बार आ चुका है ऐसा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में मैंने दो तीन एरर लिखे हैं, उन एरर को एक ही सेंटेंस में समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको बच्चों। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, है उस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट, ये लिखा है क्या, वन ऑफ, मैंने अभी ये वन ऑफ जो समझाया था ना, इधर ऑफ और वन ऑफ, वो इसीलिए समझाया था, यहाँ पे यूज होने वाला था। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट, वो एक है स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा, तो उम्मीद है आप सबके मुंह से निकल रहा होगा आंसर, स्टूडेंट नहीं आ सकता सर, स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि वन की बात कर रहे हैं और एक की बात ज्यादा में से ही होगी। Who has been, ये who किसके लिए आया बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप समझ सको तो, कोशिश कर रहा हूँ पूरी। मैंने अभी आपको बताया who और whom अपने से एकदम पहले लिखी हुई नाउन को प्रेजेंट करता है, अपने से एकदम पहले लिखी हुई नाउन कौन है, who से, स्टूडेंट्स, कौन है बच्चों, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ नाउन, कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब ये प्लूरल है तो आपने रूल पढ़ा होगा SSPP, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, प्लूरल, तो हैज आएगा या हैव, यहां पर क्या आएगा बच्चों, हैव। कुछ बच्चे सोचते हैं सर बात तो एक ही हो रही है, अरे एक की बात यहां तक हो रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सेंटेंस कह रहा है ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो सारों में से एक है जो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एक और एरर है, ध्यान से देखो, जब सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ये प्रोनाउन भी तो बच्चों प्लूरल ही होना चाहिए ना, और प्लूरल मतलब स्टूडेंट्स का मतलब है, थर्ड पर्सन में पहुंचोगे तो इसके साथ क्या यूज करोगे, प्रोनाउन दे, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डियर। तो एक ही सेंटेंस में तीन एरर थे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वीडियो को बार बार देखो, ये हु और हुम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगली वीडियो के साथ एक बार फिर से पहुंचूंगा, मकसद एक ही है, मोटिव एक ही है, आप सबकी हेल्प करना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आप ही का फायदा है। सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।